और इसमें है क्या क्या, मैं आपको इसके सेलेंट फीचर्स बता देता हूँ कि सेल्स टैक्स जो इनकी चार कंपनियाँ हैं, जो इनकी जो पेरेंट कंपनी है चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी, उसके अंडर की जो चार कंपनियाँ हैं, गवादर इंटरनेशनल टर्मिनल, गवादर फ्री जोन एंड गवादर मरीन सर्विसेज, तो इनको हमने सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की एग्जम्पशन दी हैं। मशीनरी, बंकर ऑयल, रॉ मटेरियल, उन सब चीज़ों पे जो के उस पोर्ट के अंदर आएगा फॉर री एक्सपोर्ट, जो इंडस्ट्री लगेगी फॉर री एक्सपोर्ट, उसके लिए जो है ये एग्जम्पशन दी गई हैं। सो इनकम जो है ऑपरेटिंग कंपनीज की इनकम टैक्स का भी एग्जम्पशन है। सेल्स टैक्स में मशीनरी, इक्विपमेंट, ये जितनी चीज़ें पोर्ट के अंदर आएंगी, जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आएंगी, उस पर ये एग्जम्पशन दी गई। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान के अंदर से जो चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग जा रही है दूसरे मुल्कों में, अब ये 2000 जो इसका जो एरिया है 2282 एकड़ के ऊपर ये फाइनल होगा पोर्ट, तो वो जितनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर चाइना से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट हो रही है टू वियतनाम और बांग्लादेश, ये अब गवादर की जो हम बात करते थे सीपेक की, ये अब यहाँ पे आके यहाँ लगाना शुरू करेंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग। इसमें पाकिस्तान की मईशत को, एक्सपोर्ट्स को ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगी। तो आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट इट टुक अस सेवन ईयर्स टू डू दिस, बट नाउ आई एम गोइंग टू पुट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑन यू एवरी वीक व्हाट इज द इंडस्ट्री दैट इज कमिंग अप। मुझे दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता था कि पोर्ट की कनेक्टिविटी का एक इशू था, गवादर ईस्ट वे एक्सप्रेस वे जो बन रही थी, जो कि गवादर पोर्ट से मकरान कोस को कनेक्ट करना था, उसमें कुछ इश्यूज आए थे हमारे लोकल फिशरमैन के जो वो ईस्ट वे एक्सप्रेस वे बन रही थी, तो हमारे फिशरमैन जो थे वहाँ के लोकल माहीगीर जो थे, उनको एक इशू था कि जी उनका रास्ता में रुकावट आ रही थी, तो उस पर भी कोई पिछले 6-7 महीने से बैक एंड फोर्थ होने के बाद वो 3 ब्रिजेस अब हमने उसमें ऐड कर दिए, 3 ब्रिजेस, ताकि उनका रास्ता भी ना रुके और वो फिशरमैन एक ज़माने में जो बड़े नाराज़ थे वो अब बहुत खुश हैं क्योंकि उनको अब ब्रिजेस मिल गए हैं ताकि उनका रास्ता नहीं रुकता, उनकी सर्दियों से वो उनका ये दिस इज़ देयर लाइवलीहुड इसी रह रहे हैं। तो वो भी एक अप्रूव हो गई है एकनेक से और 44% तो वो तैयार हो गई है, वो ब्रिजेस की वजह से रुकी हुई थी। इंशाल्लाह बाय 2020 दिसंबर तक वो इंशाल्लाह वो ईस्ट बे एक्सप्रेस वे खुल जाएगी। इसका मतलब है कि गवादर पोर्ट मकरान कोस्टल हाईवे के थ्रू रेस्ट ऑफ द कंट्री से इमीडिएटली कनेक्ट हो जाएगा। तो जो लोग कहते थे ना कि गवादर में क्या हो रहा है, अब गवादर के अंदर बड़ी तेज चेंजेस आने लगी हैं। यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस? अच्छा जी, इन्होंने फिर एक पाक चाइना टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी बना रहे हैं, $10 मिलियन की कॉस्ट है, उसमें 360 बच्चे हर साल पास आउट होंगे टेक्निकल स्किल्स के साथ, जिसमें 200 बॉयज़ हैं, 70 गर्ल्स हैं, फिर टीचर्स की भी कैपेसिटी डॉर्मेट्री बनी हुई है। सो ये पर शिफ्ट 360 लोग पास आउट करेंगे और ये दिन में शायद 2 शिफ्टें अगर चलाएं तो दैट इज़ गोइंग टू बी अनदर बिग बूस्ट फॉर द लोकल पीपल, कि उनको भी एक पोर्ट के अंदर नौकरियां मिलेंगी। और हमें ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेनिंग करने के लिए हम गवादर से कुछ लोग पोर्ट कासिम और KPT में भी हम थोड़े दिन के लिए ला के उनको रखें ताकि उनको पोर्ट की ट्रेनिंग हो जाए, ताकि जब वो गवादर वापस जाएँ तो दे ऑलरेडी नो वॉट टू डू, बिकॉज पोर्ट का एक अलग साइंस चलती है जो कि वहाँ लोग जिन्होंने पोर्ट में काम नहीं किया और लोग अब लेबर ज़्यादा चाहिए होगी और मैन पावर ज़्यादा चाहिए होगी, तो जिन्होंने काम नहीं किया उनको हम यहाँ एक्सपीरियंस देंगे। एयरपोर्ट का तो आपको पता ही है, वो $230 मिलियन की कॉस्ट पे बन रहा है गवादर एयरपोर्ट। फिर उन्होंने एक अनाउंस किया कि पाक चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल जो कि $100 मिलियन की कॉस्ट पर बन रहा है, 68 एकड़स के ऊपर बन रहा है और उसमें मेडिकल ब्लॉक, नर्सिंग, पैरामेडिक इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल लेबॉरेटरी, एलाइड फैसिलिटीज़ और ये सारी इसी के अंदर ये भी बना रहे हैं। डीसैलिनेशन प्लांट फॉर द पॉपुलेशन, तो ये 5 लाख गैलन पर डे का डीसैलिनेशन प्लांट जिसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 89 समझे 2 बिलियन रुपए की कॉस्ट है इसकी, 1.95 बिलियन की।
वो भी अब फौरन के फौरन शुरू, इमीडिएटली दैट इज ऑल्सो बींग स्टार्टेड, वो भी फौरन शुरू हो रहा है ताकि जो गवादर की जो पॉपुलेशन बढ़ेगी, अभी जो लगा हुआ है प्लांट वो सिर्फ इतनी कैपेसिटी उसकी है कि जो पोर्ट के ऑपरेशन हैं वो और थोड़े से लोगों को मिल सके. उसके साथ साथ दे आर ऑल्सो पुटिंग अप अ कोल पावर्ड 300 मेगावाट, कोल पावर्ड 300 मेगावाट का बिजली का प्लांट, क्योंकि अभी आपको पता है जो गवादर में बिजली आ रही है वो अभी हम ईरान से ले रहे हैं, तो हम डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर. और जब इंडस्ट्रियल जोन बनेगा, जब इंडस्ट्री लगेगी, तो ऑफकोर्स आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो वो भी है चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ मिलकर, वो भी अब गवादर में लग रहा है. अब मैं चाहूँगा कि अगर ये मिसेस जाएंगे, इफ़ यू वांट टू से अ फ्यू वर्ड्स बिकॉज यू माय फ्रेंड एंड टुडे इज़ अ बिगर डे एंड I have keep on receiving call from many Pakistani friends saying that today is the turning point of Pakistan economy because of this newly issued SRO. The SRO itself, to be honest, is one thing. You know that this had been written 12 years ago between the government and the Singapore company. And from 2007 up to 2013, nothing had been done. They don't need the incentive. And from 2013, no word changed of the concession agreement. And this concession agreement was transferred to COPHC. And when we are starting implementing, really doing something, we found that the incentives are not there. Water grid is not there. So I have been running up and down for 7 years. And all people promised me, we will help you to solve the issue. No people deny, but no people do. No people did it. So I feel very happy, extremely happy, since this government is in position. They get my complaint, they listen to what I told them, and they take immediate action. And today, the long-awaited SRO is in place. This is the SRO is one thing. It means that this government is very serious about their promise. This government is very serious about the economy development. This government is very keen to get more investors to develop Pakistan economy. So this is why all my people, including Chinese, Pakistani, Saudi Arabia, Iran, keep on telling me it is a turning point of Pakistan economy, which shows the new government is really want to develop Pakistan economy. Want this government is a deliverable government. So that's why we're seeing it's a big day. It's a turning point of Pakistan economy. I'm very grateful to your excellency, and you give me an egg, I will give a big hand. And a lot of egg will be produced. And I promise you, billions of dollars will be invested in the freedom. And I want to say thanks again to Pakistan government, Pakistan army, Pakistan navy, especially, Prime Minister. You know, just before it departed China, he instructed all these things to be done. And we are very grateful to him. I hope that he'll have a good time in Beijing. And also, I want to say thanks to all the media. You know, all the media are supporting me. I couldn't find any negative news about the COPHC, about the Gwadar, and I always get your support. It's also, I have to mention, Pakistan, Gwadar people. They are very hardworking people. They are very humble people. They are hardworking people and peace-loving people.
they deserve the good life, happy life, as any of us. Because of many reasons, Gwadar economy, Gwadar living condition is very poor, is very backward. So as a brother, we believe that we have the responsibility and the liability to help our brother country, Pakistan, to develop Gwadar. And we are very grateful to Chinese government that all the projects you mentioned, like East Bay Expressway, airport, new international airport, destination plant, vocational training institute, and the 300-bed hospital. All these projects are grant, not loan. It amounts about more than 5 billion RMB. And the Chinese government never has spent money like this. And also, when this new government is in place, especially when my minister, that we call his my minister, Ministry of Maritime in the office, also the finance minister in place, he immediately take my complaint and ask all the relevant department, especially for the FDR, all the relevant authority to solve my issue. So Chinese government are helping, Pakistan government are very serious. Also we get a support from media, from army, from navy, from the local authority, from Balochistan government. So I'm assured, I believe that Gwadar will be a new economic hub of Pakistan. And thanks again, sir. And I will not disappoint you. I will show you a big egg very soon. Thank you. You are going to be under pressure for me. Shabaz Rana, expert, I do. Sir, you were saying that the Chinese industry will relocate from China to Pakistan after these tax concessions. And new industry will come up, both. But this is the half story. But Chinese investors are also looking for the other concessions like the cargo subsidy, fuel subsidies. There's a complete package for the SEZ's relocation, and which is under consideration for the last about 3 to 4 years, including 1 year of your government. This has not been finalized. Should we expect another push from somewhere to give those concessions so that can complete the whole story and these industries can relocate to Pakistan? Number one. So you have said that there will be billions of dollars of investment in Gwadar. Can you please put a specific concrete number, how much of investment is coming and what will be the duration? Thank you. Let me just first answer your first question. The push was from us, nobody else. We pushed it. I took oath on 9/11/2018. So, you know, nobody will forget that date. From, I think the first time I went to see them was the first week of October. And from that day, I've been pushing. Because I know that you have this big port, which has a lot of potential, but if you don't have the right laws and legal frameworks and taxation frameworks in order, it'll just be a good, beautiful port that you will see in pictures. But for the port to get active, you need connectivity, you need industry, you need the customs V-box system to work. It wasn't working, we got it to work. You need an airport. Well, that was planned before. We had to do the master plan again, the GDA master plan, which the planning minister has done very successfully. Because the GPA plan was already there since the Gwadar Port Authority plan has been there since 2005. But the rest of it had to be redesigned. And there were a lot of other challenges that we faced. Alhamdulillah, we've overcome it and there was a lot of back and fro trips to China. Whatever had to be done was done. Alhamdulillah, now we've come to this point. The other concessions, as far as your SEZs are all are concerned, they are still in the works. Now, if 6 years, as he said, that it has taken them 7 years to get this done, out of the 7 years, we've only had one. The rest of the 6 years we weren't here. So the other guy. So if we can do what wasn't done in 6 years in one year, inshallah, the other thing we'll do even faster. And my last point is about relocation of industry.
China has already relocated industry. You know, I remember going to China in the late 90s and early 2000. I was doing some business there. And from that China to this China, what you see in 2018-19, it's a big jump. And therefore, people who used to work in factories, their children have grown up to become lawyers or software engineers or in high-tech jobs. So therefore, this has happened, this phenomena happens throughout. America ke andar bhi ek zamane mein manufacturing hoti thi, ab wahan pe sirf large-scale industrial manufacturing reh gayi hai, ya technology reh gayi hai. Wahan pe ab aapko kapde seene wale kam milte hain, wo hota hi ab China wahan se utha, ab wo Vietnam ab khada ho gaya hai, sari industry inki Vietnam gayi. So we need to create an atmosphere in Pakistan where Chinese industry, just like it is migrated to Vietnam, we need to show them that they can come here and we are maybe better, if not at least if not equal than the others, because we are already doing this, right? So it's not that something that we are learning new. Hamare paas ye sari cheeze hain, labor, skilled labor is in cheezon mein maujood hai. You wanted to ask? Do you want to respond? Thank you, sir. It's a very good question. And thank you for your interest for Guadar development. And I can tell you that with the support of the Ministry of Maritime Affairs and the Ministry of Finance, and the first, we call it the phase one, all the plot already booked by the investor. We get 41 investors up to today. And the majority of the investors are from Pakistan and China, including logistic, edible oil, e-bicycle, finance, piping processing, halal food processing. And we already, as soon as this incentive in place, we have a schedule. When we sign the agreement, we have a schedule. Within 6 months, they must complete their workshop. The road, water, electricity, everything is already there. What they need to do is just to construct their own factory. So within 6 months, they are supposed to complete their warehouse, workshop, factory, etc. And within 1 year, they are supposed to have products come out. We have the schedule. And up to now, we have already registered about $500 million investment for phase one. And when this $500 million investment is in place, minimum 5,000 local people will be directly employed. And the annual generation, annual output, I mean revenue generation, is about $200 million for phase one only. And also, we already completed the master plan for all the phase one. That is phase two, phase three, and phase four, which are expected to be completed within 7 years. And when all these phases are completed, 47,000 employees will be employment opportunity we offer to the local. And more than $1 billion revenue will be generated. And by that time, I believe Guadar will be the highest GDP avenue generating place. Within 7 years, Guadar will be really becoming an economic hub, new economic hub, a Pakistan economy. And the majority of our products are not for domestic, 95% of them for export. Okay.
second, देखें जी, पहला सवाल आपका 23 years creating a platform for all the investors, including Chinese, Pakistani, from UAE or from other countries. We have a polish. We have polish. If it is out of dated industry, the rate for charging the land plot and the new is different. From the updated technology, not only from the charging of REIT and also for finance assistance, we have a special polish towards the new updated technology. For example, if the very advanced technology introduced in the free room, maybe we will give them the plot free. In addition to the free land, also we will give them free housing or interest-free loan, just to encourage this economy, this kind of technology will be transferred to Pakistan. We cannot pressure them, but we are trying to attract them to make such kind of investment rather than old-fashioned investment. जो आपने सवाल पूछा सी पैक अथॉरिटी का, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का वो सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जी टू जी जब होता है ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, जी टू जी कॉन्ट्रैक्ट जब होता है उसमें और रेगुलर बिजनेस में बड़ा फर्क है। रेगुलर जो ये केसेस होते हैं रेगुलर बिजनेस में पड़ते हैं, बिकॉज आपको पेम्ब्रा और ये सारी चीज़ें, जब जी टू जी होता है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। अब जैसे As Mr. Zhang says, there's a lot of technology that we don't have. अब वो टेक्नोलॉजी मुझे एक्वायर करने के लिए मैं पेम्ब्रा के पेपरा के चक्कर में तो नहीं रहूँगा, तो वो टेक्नोलॉजी लाने के लिए जितनी जल्दी हमारे मुल्क में है उतना बेहतर होगा। सो देयरफॉर इट इज़ अ वेरी थोड़ा ऑर्डिनेंस जब पूरा इशू हो जाएगा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर हम सवाल जरा बेहतर कर लेंगे। ठीक सर, उसके लिए भी है क्योंकि लोकल इन्वेस्टर कम्पीट नहीं कर सकेगा। दूसरी चीज है कि क्या ये बाउंड किया गया है कि जो चीज यहाँ से एक्सपोर्ट करे उनकी परसेंटेज कितनी पाकिस्तान में रखेंगे, कितनी ये दे सकेगा। लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी फैसिलिटीज मौजूद हैं, और आपने आपको पता है कि हमने जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ग्रीन फील्ड अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स की भी छूट दी है, मशीनरी के ऊपर भी और इनकम टैक्स की भी एक मुद्दत के लिए। तो लोकल इन्वेस्टर्स जो इंडस्ट्री लगाते हैं उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारे पास कानून में ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर मुल्क में लेके आएंगे ये तफसीलात तो ये बताएंगे, अगर ये प्रोडक्ट बनाएंगे और अगर मुल्क के अंदर लेके आएंगे, माने वो गेट गवादर का जो फ्री जोन का क्रॉस करेंगे तो उनको ड्यूटी देनी पड़ेगी। फिर तो सारे नॉर्मल टैक्सेस लगेंगे ना, फिर तो जो लोकल टैक्सेस देते हैं उसको एक्सपोर्ट, अगर वो रॉ मटेरियल लाके यहाँ मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए। और आपको पता है लोकल्स भी जो रॉ मटेरियल्स मंगाते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए वो DLTL स्कीम्स के अंदर आते हैं, जिसके तहत उनको टैक्सेस माफ हो जाते हैं। मौलाना साहब आ रहे हैं,
دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو بچوں کو لے کے آ رہے ہیں مدرسے کے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی پڑھائی کا خرچ ہوئے گا, تو اس طرح بچوں کی تعلیم جو ہے اس کو نہیں افیکٹ کرنا چاہیے. اور 22 نمبر گھر جو ہے وہ دیکھیں قانون کے مطابق ہی حکومت نے دینا ہے نا. اگر ایک بندہ الیکٹ نہیں ہوا پارلیمنٹ میں تو ہم کیسے اسے 22 نمبر منسٹرز انکلیو دے دیں؟ یہ تو ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, مولانا صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی, دیکھیں عمران خان صاحب کا کرپشن کے اوپر بڑا اسٹرانگ اسٹانس ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہم سب, ہمارا جو ملک ہے اس میں بہت زیادہ ہماری جو بنیادیں ہیں ان کو کمزور کیا گیا کرپشن کے ذریعے. اور کرپشن کا دروازہ کون کھولتا ہے؟ کرپشن کا دروازہ آپ کا بزنس مین تو کھولتا نہیں ہے, کرپشن کا دروازہ آپ کا پالیسی میکر کھولتا ہے. وہ اپنا دروازہ جب کھلا رکھتا ہے تو ظاہر ہے پھر کوئی اندر آئے گا, اور اگر غلط پالیسی بنے گی تو غلط پالیسی کا فائدہ اٹھایا جائے گا. تو لہٰذا اس حوالے سے میرے خیال ہے عمران خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ جو پالیسی میکر ہوتا ہے اس کو ابو پار ہونا چاہیے, اس کے اوپر اسٹینڈرڈس بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کی آنیسٹی کے اور انٹیگریٹی کے. ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ ہم ایز اے قوم ہم نے کچھ عرصہ پہلے کرپشن کو انٹرنلائز کر لیا تھا, ہم نے اسے ایز اے وے آف لائف مان لیا تھا. وہ جو کہتے تھے نا کھاتا ہے پر لگاتا بھی ہے, وہ کیا تھا؟ وہ یہ انٹرنلائزیشن تھی ہماری کرپشن کی. پھر عمران خان نے ایک پوری ایک متحرک تحریک چلائی, لوگوں کو خاص طور پر نئی نسل کو اویئر کیا کہ آپ دیکھیں کہ بیرون ملک میں کیا اسٹینڈرڈز ہیں, وہاں پہ کیا اسٹینڈرڈز ہیں اپنا جو انٹیگریٹی کے, پروفیشنلزم کے اور آنیسٹی کے, جن کو فالو کیا جاتا ہے اور ہمارے ملک میں نہیں کیا جاتا. پھر لوگ سینسٹائز ہوئے اور پھر ہمیں مینڈیٹ دیا گیا, تو ظاہر ہے اینٹی کرپشن ہمارا ایک ایجنڈا ہے. ویسے کون سے والے مولانا آ رہے ہیں؟ کون مولانا کون آ رہا ہے؟ میں مولانا کون سا آ رہا ہے؟ مولانا, اچھا فضل الرحمان آ رہا ہے. اچھا میں ان کو مولانا نہیں سمجھتا, فضل الرحمان آ رہا ہے. آپ یہ بولیے نا, آئیں بسم اللہ کریں, فضل الرحمان. ٹھیک ہے, تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو.